तेजी से सुनना जरा। फेस टू फेस हो रही है, सुनना सुनना क्या बात है? अरे बात तो कुछ नहीं है, मैंने कहा जा रहे हूँ सलाम कर लूँ। जा रहे हूँ? मैं बिल्कुल मूर्खता की हद हो रही है, जाने रहा मैं आ रहा हूँ। जा रहे हूँ, मूर्खता की भी हद हो गए, देखो मूर्ख ही है। हाँ हाँ, कैसे फेस टू फेस हो रही है, कौन है तू? शेख जी आपको पता नहीं मेरा नाम नूरजहाँ है। नूरजहाँ, कैसे सफेदी हो रही है, क्या बात है? बोल शेख जी, बात तो कुछ और नहीं है, मैंने कहा अब जा रहे थे सलाम कर लूँ तो मैं कर लिया। वे हाँ, आज तो तेरा जिक्र हम अपने घर में कर रहे थे। आ? वो कैसे शेख जी, मुझे भी बतलाओ। अब नहीं बतलाता, रहने दे। बतलाओ ना शेख जी, तुम्हें मेरी कसम दे रही है, एक बार सुन, अगर मेरी सलमा मुझे छोड़कर चली जाए क्या तू मेरे से निकाह कर लेगी? शेख जी आप तो बहुत बदतमीज हो, पागल हो, मूर्ख हो, तुम्हें अकल नहीं है। वो मूर्ख बतला रही है, तुम्हें पता नहीं मेरा निकाह ऐसा पहले ही हो गया। क्या निकाह हो गया? वो मेरे से जिक्र मुझे कर लिया कम वक्त, मुझे पूछा भी नहीं। मगर शेख जी मैं तो हर दूसरे आदमी को अपना भाई समझती हूँ। दूसरा आदमी भाई समझती है? ठीक है ठीक है, भाई मानती है ना, अब समझ गया ना। ऐसा कर, इतने में वापिस आओ, नहीं खड़ी रही है, खड़ी रही है कभी चली जा, अगर चलेगी तो बक्कल उतार दूंगा तेरा, कभी बना दू नूर जैसा। ओबे आरिफ कैसे बैठा मुंह लटकाए? भाई मुंह लटका के बैठना पड़े, ब्याह हो नहीं रहा, घर में चिल्ले का जी नहीं लगता है। तेरा निकाह नहीं हुआ? तूने बड़ा कम वक्त है यार। पक्का मनहूस हूँ मैं तो, पर तू अंत तक दिमाग खराब ना। अरे नहीं, तू नाराज मत हो, मैं तेरा निकाह करवा दूंगा। निकाह किसका करवा देगा? अबे उस नूरजा से। नूरजा से? हाँ। अच्छा वो नूरजा? हाँ। अरे तेरे कहने तक कर लेगी वो। रास्ते में खड़ी कर पाया कम वक्त, पक्की बात है। मजा तू ऐसी मानो नहीं, तो तू बोल ठीक है। नूरजा तू हर दूसरे आदमी को अपना भाई मानती है ना? हाँ? ये असला दूसरा इधर मान भाई, पागल है यार, मैं क्यों तेरा भाई? तुम तो बस बदतमीज हो, पागल हो, इसे मेरा भाई बना रहे हो? अब और क्या बनाओ इसे, तेरा खामिद बना दो इसे। आज से मुझसे बात मत करना। नहीं करने को निकल, नहीं निकल। आइए बात मत करना, इससे करता हूँ मैं रोज बात। नो कहूँ तेरे भाई बना दे, मैं क्यों होता उसका भाई? दूसरा होगा तू, मुझे पहला बता था, नुकुलू पहला है। चल ठीक है, बता रुक। मैंने क्या करवा दिया? सन्ने में उसका भाई क्यों बनाया? आज सजा छोड़ने का नहीं। मेरे से गलती होगी, मैंने दूसरा बनाया तुझे। हाँ तो तुझे पहला बनाना था। ठीक है अब तो आती रहे, फिर कभी मिलेगी नहीं तो तुझे पहला बता दूंगा, देख ले। ठीक है पक्का? मैं विश्वास रख। हाँ तो कुछ उल्टा सीधा खाया, कुछ उल्टा सीधा लिखाया, उल्टा सीधा क्यों रो रहे हो? मैंने रसगुल्ले बर्फी और जलेबी मिला के खा ली, और मेरा पेट में दर्द होता है, सत्ता लाती लाती लेट मिले आती नहीं आती। तुझे बता मुझे सपना में एक औरत दिखाई देती है और वो मेरे से कहती है एक चिल्ली तुम्हें से निकाह कर ले निकाह। क्या नाम है उसका? है? उसका नाम क्या नाम है सारी का? उसका नाम है रियाना, रियाना। शेख जी तुम ऐसा करो, तुम मौलाना के पास चले जाओ और वहाँ जाकर अपने लिए ताबीज बनवा लो, वरना वो साथ मेरा घर बर्बाद कर देगी। मैं गया था उसके पास कम वक्त,
वही कह रहा था जो रात में सपना देखेगा वो सच होगा। सच होते ही? हाँ, वो कह रहा था जो जुमेरात की रात को सपना देखेगा वो बिल्कुल सच हो जाएगा तेरा। हाय अल्लाह, आज तो जुमेरात की रात है, मैं आज तुम्हें सोने नहीं दूंगी। है? अबे मुझे सोने भी नहीं देगी मगर मुझे नींद आ रही है सुनवा। हाय अल्लाह, क्या करूं? अगर इनको नींद आ गई तो इनका तो सपने में निकाह हो जाएगा और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? हाय अल्लाह। करना पड़े लेकिन मैं अपनी सौतन घर में नहीं आने दूंगी, इतना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। देखो भाई, नमाज का टाइम हो चुका है, आप लोग जाके वजू बनाओ है और हम दो चार घरों में गश्त करके और आते हैं। अच्छा, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़। अच्छा,
अरे भाई शेख जी, अरे शेख जी घर में है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे भाई शेख जी, अरे शेख जी घर में है? शेख जी अपने घर में काम नहीं है तुम्हें? अरे मैं हूँ अमीर साहब। अमीर साहब भाई आगा कुछ रखा चले आते हैं मुख उठाए। चल चल अपना आगे देखे कहीं और देखे, गाँव बहुत बड़ा। फकीर नहीं अमीर साहब हूँ मैं, जमात वाले हैं हम। जमात आई है? ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर आ जाओ। कौन है अमीर फकीर कौन? अंदर आ जा, अंदर आ जाए। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अपनी आई दादी करा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ तुम्हें बताओ? फाते पढ़ रहा हूँ। फाते पढ़ रहे हो? हाँ। फाते किसकी पढ़ रहे हो जनाब? बस तुम्हें पता नहीं, मेरा अब मर लिया। अब मर गया? हाँ। अल्लाह उनकी रूह को जन्नत नसीब करे। कब मर गए? अभी मरे कोई ऐसे 300 वर्ष। 300 वर्ष? अरे 300 वर्ष में तो उनकी हड्डियों का भी नहीं पता होगा जनाब। कुछ भी हो फातिमा पढ़ने में कुछ लगा है, मरने वाले की शांति के लिए कभी फातिमा पढ़ लो। ठीक है जी, हम दुआ करवाते हैं। ठीक है बैठो बैठो। हम तो इसलिए आए थे। इसलिए आए थे? अरे भाई कैसे आए शेख जी, हम तो इसलिए आए थे कि नवाज पढ़े करो। हम नवाज क्या पढ़ा, हमको बुरे काम कराए, वो नवाज पढ़े? आज पढ़ो नवाज। नवाज पढ़ो तुम, डकैती करो तुम, बेईमानी करो तुम, चोरी करो तुम, दलाली खाओ तुम, नवाज तुम पढ़ो तुम। हम क्यों नवाज पढ़े? हमारे अबू ने नमाज नहीं पढ़ी, अबू के अबू ने नहीं पढ़ी, उनके अबू ने नहीं पढ़ी। वे भी सही कबर में गए, सही उन्हें जन्नत मिली, और हम नहीं पढ़ रहे। हम बुरे काम नहीं करते, हम क्या पढ़े? अरे नमाज पढ़ने से घर में बरकत आती है। हमें नहीं करवानी बरकत, ठीक है? नमाज पढ़ो तुम, डकैती करो तुम, दलाली खाओ तुम, चोरी करो तुम, बेईमानी करो तुम, नमाज तुम पढ़ो। हमें नमाज करने क्या जरूरत है? लाहौल वाला कुवत देख लो मियाँ, कितनी बदतमीजी पे आ गई। अरे ये जमात देहरादून से चलकर यहाँ धनोरा गांव में आई, और हमें क्या पता इस धनोरा गांव में ऐसे ऐसे मूर्ख भी लोग रहते हैं। क्या था देहरादून से आए हो? और क्या, ना दुनिया की रोटी खाते फिर रहे हो तुम, तो फंड हो रहे हो। देहरादून से आए हो, अपना काम करो, अपने गांव में नमाज पढ़ते हैं, अपने गांव में बहुत तमीज सिखा रखी ना तुमने। अरे हमें जो है अल्लाह ने हिदायत दी है कि दीन को हम फैलाएं, तुम जाहिल लोगों को समझाएं हैं कि नमाज पढ़ने से कितने फायदे हैं। ठीक है कहीं और फैलाइयो, कहीं और फैलाइयो ऐसा। अरे शेख जी अल्लाह को जान देनी है, कब्र में जाना है, कब्र के अजाब से कुछ तो डर लो। अल्लाह को जान देनी है? मैं अल्लाह भैया को जान नहीं दूं। रही बात कब्र की, तू अपनी कब्र का ध्यान रखना।
हमारी कबर में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? हाँ कबर कबर मैं कबर में तो मेरे अबू भी गए, अबू के अबू भी गए, उनके अबू भी गए, सब मैं दफना गया और मुझे भी कबर में जाना, कबर में तो मैं चला गया था, मैं तो कुछ दिन पहले कबर में लेट गया था जाकर, वो तो मुझे उस तेली ने निकाल लिया, साले ने तेली ने निकाल लिया। कबर अरे बड़ा जाहिल आदमी है, अरे चार आदमी तो जो है तुझे कबर में लेके जाएंगे, चार आदमियों के बगैर कैसे चला जाएगा? मुझे डर तो नहीं है चार आदमी की, निकल लो निकल लो निकल लो निकलो। अरे देख लो मियाँ, अरे देख लो कितना बदतमीज आदमी है, जाहिल आदमी है। चलो मियाँ यहाँ से अल्लाह से इनके लिए दुआ करेंगे कि ये नवाजी हो जाए। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ निकल लो, ये दुआ करेंगे अल्लाह। अजी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला क्या रहे, वे आए थे यहाँ, मुझे नवाज सिखा रहे, कह रहे नवाज पढ़ो करो शेख जी, तुम जन्नत में जाओगे, मुझे जन्नत में नहीं जाओ। नवाज पढ़ना कोई गलत बात थोड़ी ना होती है, पढ़नी चाहिए। नवाज नहीं पढ़ी, अबू के अबू ने नवाज नहीं पढ़ी, खूब मरे और बढ़िया कवर में गए। जाओ, सारी शिकायत तुम्हारी अम्मी से करूंगी। अम्मी से? अम्मी का क्या शिकायत करेगी, अम्मी भी ऐसी है, अम्मी भी खा लूगा बेटी, 24 घंटे खा लूगा, जब भी पूछे खा लूगा खा लूगा, फल खा लूगा, क्या खा जा। मैं भी जा रही हूँ खा लूगी, यहाँ क्यों जा रही, खा लूंगा खाली, तुझे खा रहा अभी बुझा दू, खा लूंगा बुझाओ, खा लू इधर बुझा दू, खा लू खा जाएगी, खा खाली जान से बात खा लूंगा, ये मैं आज खा लेगी, खा लूगी भी, खा तारूंगा खा लेगी, खा लूंगी बड़ी रख अम्मी, सारे कुछ ही देखूंगा। मास्टर जी तो कैसे टूट गया, कैसे लगड़ा रहे हो? चल जा मेरी आंखों का कैसे, क्यों क्या बात होगी लगड़ाने की, दिख रही है डॉक्टरों ने यूं कह दिया 6 महीने लो रोटी नहीं बो सकता, रोटी नहीं बो सकता। अरे यार क्या क्या मुसीबत करनी पड़े मुझे बता। सही रे, सलाम अलैकुम शहनाज। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हो? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों क्या हो गया भाई? इसकी तबीयत खराब हो रही है, इधर वाले को अपनी कंधे पे डाल कर लाया हूँ। और तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? अब्बू कौन से अब्बू? कितने अब्बू हैं तुम्हारे? भाई इसका 10 अब्बू है लाने का, तुम पता नहीं कौन से अब्बू की पूछ रही हो। और अम्मी कैसी है? अम्मी अम्मी तो इसकी बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है, जब गली में निकलती है ना तो सब नजर मारते हैं। मुझे ऐसा लगा शादी से पहले भी दो चार जगह भागी हुई थी। अल्लाह तो भाई इतना बिगड़ा हुआ खानदान है तुम्हारा। खानदान पूरा सालों का खाना खराब है। मैं तो करूँ इनके खानदान में रहने दिए खाना। हाँ अभी अभी आए थे। अरे बेटी चाय भाई को पूछा थी इनको, अब वो अभी आगे बैठे भी बना के दे। खाने को क्या, 1 घंटे का बकवास और कर रही है, खाने को दे दिया, खाने को कुछ खाने को दिया ना पीने को। अच्छा पानी तक नहीं पिला? हाँ। अरे ये तुम्हारा जो है दोस्त तो बड़ा समझदार लग रहा मुझे। कुछ यू बहुत समझदार है जी। अच्छा इसे मैं नहीं तो साथ रखूँ अपनी। वही वाह बहुत बढ़िया। एक काम करो। हाँ। मेरे ये लड़की जो है अभी कुंवारी है। हाँ। इसके लिए कोई रिश्ता बताओ। हाँ। लेकिन रिश्ता मुझे ऐसा चाहिए। कैसा? कि भाई उसको सास ना हो। हाँ। ननंद ना हो। हाँ। जिठानी ना हो। हाँ। और बस मेरी लड़की मौज करे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है, तुम्हारा कहने का मतलब उसका पूंजा छिपा हुआ है, जिसे कम मकत जाएगी। कम मकत जाएगी? हाँ। तुम मनुष्य है कहीं? क्या कह रहा है? तो तुम बात ही ऐसी पूछ रहे। अच्छा मैं मतलब। हाँ। तू बता रहा है मैं बताऊँ? बस तू ही बता दे, मेरी बात सुन लो। हाँ सुनाओ। ठीक है जी मेरी बात सुनो,
सन्नु के अबू पे पता नहीं कहाँ निकल गए, उनका लापता हो रही है, और इनकी अम्मी पता नहीं किसने लेकर भाग गई। इनका बहन है नहीं, भाई इनका नहीं, ये भी पूरा अनाथ मानो। भाई मेरी मेरी अम्मी भी खालू जा रही है, मेरा अबू मरी गए, बहन मेरे नहीं, मैं भी सफा सट तू, पर इनके घर में तो हुआ नजमा और मेरे घर में सलमा, ना तो इसका नंद रहेगी कोई और ना कोई साल, ऐसा करो इसका जिका हम दोनों के साथ कर दो। मैं कर दूं? हाँ दोनों रखा करेंगे तुम्हारे। हाँ तुम्हारे दोनों पे कर दूं? हैं बहुत अच्छे खानदान के हो ना तुम। अबू और मारो मैं कम बगल एक बार ले ये रोटी बना रहे जुगाड़ तो मैं कर दूंगा। सच में? हाँ यार तब बहुत बढ़िया रहेगा। शेख चिल्ली बता कैसे? उस लड़की वाले का बाप ने ये कही है, अकबर शेख चिल्ली को लड़का बदला, मगर एक बात है उसके बाप की एक शर्त है। क्या शर्त है? वो कह रहा है कि मेरी लड़की को ना तो नंद चाहिए, उसके ना तो सास हो, ना जिठानी चाहिए, ना जेठ चाहिए, ना ससुरा चाहिए। बदला मेरे तो यार बाप भी है, माँ भी है, बहन भी है और भैया भी है, मेरे तो सब है। हाँ अगर मेरी बात सुन, अगर तुझे शादी करनी है ना तो अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपने भाई को, अपने बाप को, सालन को, सब कुछ हर देते। क्यों? तो मेरी पूरी सी बनवा दी माँ। हाँ। और आज मेरा पूंजा छिपने को होगा, पूरा पूंजा छिपवा हुआ तो तेरी शादी करवाऊंगा। साले गाली दे रहे, साले गाली दे रहे, अपने बाप को गाली दे रहे, साले साले की गुलाब दिमाग खराब है, सबका सबका पूरे गांव का साले साले गाली दे रहे, साले की कल से सुन रहा हूँ। क्या बात हो गई? क्यों दे रहे हैं गाली? बस साले कह रहे शेख चिल्ली की जय हो, शेख चिल्ली की जय हो, शेख चिल्ली की बधाई हो, साले गाली दे रहे। ये तो साले को गुलाबी छुटवा दी तेरे सामने कल, और ऊपर तक पूरा गांव साला मुझे गाली दे रहा, यूँ करा शेख चिल्ली की जय हो, शेख चिल्ली की जय हो। या अल्लाह दिमाग तुम्हारे अंदर ही बिल्कुल भी ना है। क्यों? पूरा गांव बधाई देने घर तक आ लिया, सारे खुश है तुमसे। ये बधाई हो गया? मैं तो साले गाली समझ रहा हूँ, साले गाली दे रहे हैं मुझे। ठीक है ठीक है, मूर्खता छोड़ो, जाके कुछ काम धंधा भी कर लो। मैं तो सोच रहा था एक तो साले की गुलामी छुटवा दी, ऊपर से मुझे गाली दे रहे हैं साले, नू कर देते शेख चिल्ली की बधाई, शेख चिल्ली की बधाई, शेख चिल्ली की जय हो। ये गाली नहीं होती? ना गाली नहीं होती है। हाँ मेरे गाँव वाले ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ काम धंधा भी कर लो, घर में जरा सा भी राशन ना है। ठीक है ठीक है, मेरी एक बात सुन ले, अगर आज के बाद गाँव में किसी ने भी सालों ने नुका दी ना अक्षय चिल्ली की जाओ, अक्षय चिल्ली की बधाई, तो सालों का मुंह बिगाड़ दूंगा। ठीक है बिगाड़ देना। दिमाग खराब कर रही है, शेख चिल्ली का दिमाग खराब करेगी।
हाँ हाँ तुम्हारे अंदर तो बहुत दिमाग है, तुम्हारे दिमाग से ही तो ये पूरा गांव चल रहा है। और तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तुम्हारे घर के अंदर देखो जी वो सच्चू थी जो पिट लेती थी, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अरे तेरी खाल का सन मरा ना सन। कभी ना बनाया खाल का सन, तुम दो मारोगे तो एक मैं भी मार लूंगी। अच्छा शेर चिल्ली में हाथ उठाएगी शेर चिल्ली में, सारी डंडा नहीं देखा था ना? देखा है मैंने तुम्हारा डंडा, मैं नहीं देखा। लाओ डंडा उठाकर ले आओ, लाओ ला भी लाओ डंडा। हाय मुल्ला जी, क्यों मारने लग रहे हो बेगम को? ये तो हमारी कमाई का जरिया है। कमाई का जरिया? हाँ किनारे उस तारा चंद ने मुझे किए इशारे, वो जोर से बोला अरे आरे आरे, मैं सहती बोली अरे जारे जारे, माया आया आया बकीर तारा सन, आया 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 बकीर तारा सन, नहीं मिली मेरी अम्मा सुबह मेरा परदा भी अबारे टूट गया भैया, सुबह मेरा परदा भी अबारे अम्मा सुनारी चोटी, बाप जा लापा कर दिया भाले चोले मैं तुम्हारे बेटी बधाई दे दो, बधाई बधाई। हाँ बधाई, कैसी बधाई? आपके लड़का हुआ है? मेरा लड़का हुआ? हाँ मेरा लड़का करके मेरी आँख बाहर करवा के मरवा के मुझे बदनाम करवाएगी? आपकी बेगम के हुआ है ना? बेगम का बच्चा हुआ तो बेगम से बधाई ले, ऐसा बधाई ले रहे तुम? अरे मुल्ला जी ये कहाँ से बधाई देगी, ये तो रोन लग रही है, तुम दोगे बधाई? बधाई दो। हाँ मेरी बेगम का बच्चा हुआ मगर मैं लाली बंदू का दिया ही, लाली बच्चा हुआ बंदू का दिया, और मैं उसे ले ले भी गया बंदू के घर से, मुझे सालों से मार रहा हूँ। बधाई तो दे दो मुल्ला जी, बधाई देगा बंदू, उनका अब्बू देगा ताला, बंदू का अब्बू। हाँ वहाँ जाओ, वहीं जाओगे? वहाँ जाएगा दिल की प्यास बुझा दे। शेख चिल्ली को मूर्ख मान रही है? हाँ
पिला दे। ये तो मैंने गलत किया, मुझे पानी पिलाना चाहिए। पिलाना चाहिए, मैं जल्दी पिला दे। निकल रही है मटक के। घंटा हो लिया वहां का जाके से बतला रही है। शेख जी कुछ काम धाम भी कर लो, सारे दिन थाली बैठे रहते हो। काम धाम कर दो भी मुझे काम धाम गए, तेरी आंखों में घटक रहा हूँ मैं। अरे मैं काम धाम कैसा कर लूँ, मैं बताना भी नहीं है। तू मुझे पैसे दे दे कुछ ला। मेरे पास कहाँ से आए पैसे? है कौन? अपने अब्बू से नहीं लाई थी तू उस दिन? अब्बू ने तो दिए थे पैसे। तो वही दे दे मुझे। कभी कहीं खोया हो? मैं पागल हूँ, पालक मान रही है मुझे। मैं मूर्ख हूँ, मैं तू भी मूर्ख है, मुझे पूरा काम दिखा रही है। मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। ठीक है मैं ला रही हूँ, लेकिन देख लो कोई अच्छा सा काम करना, क्योंकि घर में उतने ही पैसे हैं। कभी खोया तो घर में मत घुसना। घर में ना घुसूं? ठीक है ला दे तू पैसे ला दे। जब देखो अभी और घर में घुसने का ना घुसने का, तो सारी ऐश फेल रही है मेरे पे। देख लो इतने ही पैसे हैं। ठीक है मैं इतना कल बोलूँ का साले का दुगने कर करना, तू बेफी कर रहा। ऐसा बिजनेस करूंगा ना दुगने हो जा। तू बैठ घरवाए में बैठ दो आराम से, मैं जा जाऊँ। तो ठीक ठाक से काम कर लेना। कर ले वो सारा मुझे सिखा देता। मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ। क्यों, यहाँ आराम करना जरूरी है? क्यों, मैं कहा लेट रहा हूँ खड़ा? मुझे पता कहा लेना, गली में लेट रहा घर में। मैं गली में लेट रहा हूँ। गली में लेट रहा? हाँ। गली कौन सा लाया? गली तेरे बाप की है। गली हाँ तेरे बाप के घर, तो मेरे बाप का नंदगढ़ से। ठीक है खड़ा हूँ। नहीं खड़ा हूँ, नहीं निकल मुझे। अभी बताऊँ अभी बड़ा कम ना करना। चल 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 निकल। अभी बना दूंगा तेरा उल्लू, बना दूंगा। उल्लू बना रहा है मेरा? उल्लू बना हुआ नहीं चला। आया उल्लू बना रहा मेरे घर में, ढोर चबारा बता। आया हूँ आराम करने को, यूज करने का। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? मैं जा कहाँ रहे हो भाई जान, मुझे सलमान ने 500 रुपए दिए। अच्छा हाँ, कुछ धंधा करो, कुछ काम करो। कुछ काम ढूंढने जा रहा हूँ, कुछ लेवा बेची करूंगा। तो लेवा बेची करोगे तो हमारी बकरी जो ले लो। बकरी? बहुत फायदे में रहोगे। भाई जगह क्या करूंगा इसका? इसे ले लोगे तो फायदे में रहोगे। कैसे रहूंगा फायदे में? बताओ। इसमें बहुत सारी खूबी है। क्या खूबी है इसमें? देखो पहली खूबी तो ये है, बताओ। इधर हो देखो, मुंह देखो इसका। हाँ बता। हम तीनों बकरी कौन? मैं। ये तो कह रही है मैं। खूबी? हाँ। और दूसरी खूबी? हाँ। जून से पहला महीना कौन? मैं। ये तो मैं कह रही हूँ, मई। और देखो तीसरी खूबी? हाँ। बकरा दिन कटेगी कौन? मैं। है खूबी? ठीक है, मगर भाई साहब 500 रुपए के दिन आएंगे। नहीं 500 मिलेगी। 500 मिलेगी? ठीक है ले, दे दो रख लो। घर जाकर बतला देगी सब कुछ। इसमें इतनी खूबी है, घर जाकर पता चल जाएगा कितनी खूबी है इसमें। ठीक है, बहुत सारी खूबियाँ देख लो। अगर घर जा खुश हो जाओगे, घर जाकर नहीं बतलाई ना तो वापिस देंगे। खुश हो जाओगे मुल्ले जी, खुश हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है
फसल वाला हो जाएगी। मजा आ गया, लूट लिया मुल्ला जी को तो, लूट लिया। सारी सारी बात बताए, 500 में देगा मंडी, सारे पागल है बिल्कुल, बस तमीज पागल है। तो पागलों की दुनिया में कभी नहीं है, सारे मुझे 500 में बकरी देगी, इतनी खूबी बकरी में सलमान हाजी हो जाएगी, जाकर मैं कहूँगा हमें बकरी को और कह लेगी सलमान हसी खूब पढ़ाई करेगी चलो। बकरी वो तो मैं भी देख रही हूँ, बकरी है कितने की लिया है? ये 500 रुपए की है। या अल्लाह कितना ठग के सारे पैसे बर्बाद करके आ गए। और कितने की होती है? ये तो 10 रुपए की मिलती है। पैसी नहीं मिलती, इसमें बहुत गुण है। क्या गुण है? देख देख, एक तो ये ऊपर को देख, अभी कहने तो सब मानती है, ये देख नहीं मान रही, ये देख, ये देख ले ऊपर हो गई, अभी देखो पैसे बतला देगी, ऐसे पूछो बैठ नहीं जाओ बैठ, बैठ तो सही बैठ जाओ, बतला देगी बकरी कौन, तेरे मेरे बकरी कौन ना बोलेगी वो, मैं बोलेगी लूट लिया तुम्हें, जून के बाद महीना कौन नहीं बतला रही, मुझे पता तुम लूट के आओगे, सारे पैसे बर्बाद करके आओगे, इसलिए मैं पैसे नहीं दे रही थी तुम्हें। I love you। मैं जलवा बता रही हूँ, मैं तेरे भूखे पैसे खास देगा, कोई बात नहीं चलो। लाली को कसाई को बेचूंगा, लाली को कसाई को बेचूंगा। हाँ आओ, क्या खुशखबरी लाए हो? खबरी वहाँ तुमने मरवा दिया होते हैं, वहाँ मरवाजी होते के बात होगी। अरे वे भैया जहाज देना भेजा था सलमान हाथी, बोलो तो सेख चिल्ली था, सेख चिल्ली बता तुझे, सेख चिल्ली। हाँ फिर की गया हमने यार, तूने हमें बहुत मारा, तूने मिलकर पिटवाया हमें, अरे मन ना भेजा ही नू था, अरे बहुत वीरवान नहीं छेड़ दे, फिरो दुनिया की लोंडिया आ गई होगी ना कल ठिकाने, इब छेड़ के दिखाइयो किसी को। ठीक ठीक है, सुन अब तेरी भी लुगाई जवान है, समझ गया, और भैया हम तो छेड़ेंगे, समझ गया, चलो भाई चल मतलब रखे, हाँ तो मैंने करी थी, अरे फिर भी जिद पर आके मैंने फूक पर रख लिया नौकरी पे,
राख लिया राधा तेरी भी क्या कर दिया उन्होंने। अरे चोर चोरी करके ले गए घर में से। अरे मैं क्या गया, मैं रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। अब क्या मैं चोर चोर कह दिए। अरे मैं ही बढ़ रहा घर में फूक पाने मेरी जो देख के रोल मचा दी चोर चोर। मतलब तेरी भी पिंडी फिटवा दी। अरे गांव वाले ने आके कुकड़ी से फून दी, फूकपा तोड़वा दी। तो मैं तो जब पहले कहा था इसे नाराज के जिसके चला जाओ उसका पुंजे छेप दे। इन दुकानदारा नु भैया डॉक्टर ने कर दी मन है। और हकीम के जा रहा हूँ भैया। ऐसा कर भैया चलिए तन्ना सुन मेरी बात, तू किसी हड्डी वाले डॉक्टर का चला जा जो हड्डी वड्डी टूटने का इलाज करा जा चला जा। और फिर ना राखिए से नौकर को फूफा तू भी लिखा छोड़ दे। जिम तो कह रहा था शेख चिल्ली को रखो नौकर ले ले था। मर अरे शेख चिल्ली अरे बड़ा रखा तू नौकरी। कहाँ जा रहा है, कहाँ खेंचम खेच कर रहा? खेंचम खेच क्या कर रहा? इधर चलाने जा रहा हूँ, चरने को भी मना कर रहा। खम्मा तू तो हर वक्त के देखे चक्कर में पड़ा रहे। तू एक काम कर, तुझे नौकरी कर नहीं कर नहीं कर आ? एक काम कर दिल्ली चल मेरी गैल। चल ठीक है बैठ कर दे ना। अब गधे को तो सुसरे में यही छोड़ दे। तू गधे की बात ना करे। मेरा गधे का भी भैया गांव वाले गुलामी तो छुड़वा दिए तन्ने सारे। सारा गुलामी ठीक थे यार, तू ऐसी बात क्यों करे कर कल। इतना तो गांव में चलता ही रहे। हाँ यार ये तो चलता रहे गांव में, कोई बुरा है कोई भला है। चलाते थे नौकरी लगवा मैं बहुत बढ़िया दिल्ली। हाँ बढ़िया नौकरी है। हाँ तुझे पता कहाँ है बतला दिए। कहाँ जा रही है? करवान जा रहे कर देना दिमाग खराब यार। टोक दिए नहीं टोक दिए इसने भी देख ले खामा का। सवेरे सवेरे कम खतरा मूड खराब कर दिया। अरे हाय कब आओगे? कब आना खबर? क्यों खबर क्यों बतलाओ? बहुत हेर कर रही है ना हमारा। कब आना कब आना? बहुत हमारी दुख सुख की पूछ है। नहीं निकला बाहर निकल ले। नूर जा तू जा पागल है। मैं मैं एक लड़की के लिए पागल बतला रहा। कम पागल नहीं बतला रहा यार, गांव की लड़की सिंह देख रहा है। चल चल चले पता नौकरी कहाँ दिला रहा मैं। कहाँ दिला रहा? मेरा ससुरा दिल्ली में नौकरी करे और तेरी भी नौकरी वहीं लगवा दूंगा। अच्छा और के भाई जी इधर का क्या छोड़ दे, चौदह को घर चला जाएगा। शर्मा को जाके बता देगा ठीक है। और शर्मा से कहना शेख जी तो नौकरी करना ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चल भेज दे छोड़ दू भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे जेड़ी नुई। चल निकला साल है यार तेरा कदा तो बहुत समझदार है भाई। शेख चिल्ली का कदा है मुझे पता। सही कह रहा भाई। अपनी बिरादरी बनाएगा तो रबत तो हो जा। जब हम अच्छे तो अच्छा नहीं होगा। अब एक पूरी बात तो सुन। मैं तो जहाँ नौकरी द्वारा ना ठीक है वो मेरा ससुर है। अपने ससुर गले जा रहा भी मिलेगी साली भी मिलेगी। एक बात और सुन, दिल्ली में ही तो एक मकान दे देगा वो और मजे दे रही। ठीक है ठीक है चल मजे आगे।